What happened? अरे, पागल है क्या तू यार? तू मेरी बहन समान है, बता, तू मेरी बहन है, पागल, बहन जैसी है मेरी तू। अरे, कोई बात नहीं है। हाय विवेक। आप कौन? विवेक, आप? I'm Cherry. Cherry, can I sit Cherry? Okay. बहुत प्यारी लग रहे हो आप, क्यूट लग रहे हो। Thanks. अच्छी लग रही हो। किसी का वेट कर रही हो? नहीं, वेट नहीं कर रही हो। कितनी क्यूट हो, बताओ तुम। किसी का वेट नहीं, ऐसे ही मस्ती कर रही हो। प्यारी प्रिंसेस लग रही हो तुम पूरी एकदम। इस क्यूटनेस का राज क्या? आप जाओ, परेशान मत करो, वैसे भी परेशान। वैसे परेशान हो मतलब? अच्छी लग रही हो तो मैंने बोला, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? प्लीज आप जाओ, मुझे परेशान। क्या हुआ? मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। बात करने को परेशान करना बोलते हैं? मुझे आपसे बात करनी है। मतलब क्यों नहीं बात करनी? ऐसा क्या मुझमें क्या प्रॉब्लम्स है कोई बात करने में? नहीं, मैं नहीं करनी, मुझे इस टाइम में प्रॉब्लम है, प्लीज़ जा। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? मेरी कुछ प्रॉब्लम है, सबकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। ये तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है, जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, बात करते हैं उस दिन से एकदम, चाय कॉफ़ी पीते हैं। बट मैं आपको जानती नहीं हूँ। तो जान पहचान कर लेते हैं चेरी विवेक। मैं आपको जानती हूँ। जान पे? अच्छा, जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे जान पे? पहली बार मिली हूँ। कोई नहीं, पहली बार तो हम एक दूसरे से फिर मिलते हैं, लेकिन जान पहचान बातचीत करेंगे तो फिर आइडिया लग जाएगा कौन क्या करता है। कर सकते हैं बात। अच्छा बंदा हूँ विवेक। चेरी, क्या प्रॉब्लम है चेरी? कुछ नहीं, ऐसी मेरे मॉम डैड, असल मेरे मॉम डैड नहीं है। मॉम डैड नहीं है आपके? यार सो सैड यार। तो मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ, मेरी भी एज भी कम है, फैमिली वाले मतलब मेरी शादी करना चाह रहे हैं। तो कहाँ, कौन सी फैमिली? आपके मम्मी डैडी नहीं है? कहाँ के हो आप? दिल्ली के ही हो? मैं बिजनौर की। बिजनौर के हो, तो यहाँ कैसे? यहाँ पे मुझे मेरे फैमिली वालों ने घर से निकाल दिया। किसने निकाल दिया? मम डैडी। मम डैड तो आप बोले है ही नहीं। चाची जो, उनको मम डैड उन्होंने निकाल दिया। तो अब कहाँ जाओगे? पता नहीं है, अब जाना सीख ले जाए। मतलब अभी यहाँ किसी का वेट कर रहे हो? नहीं, बैठी हूँ। मोम डैड ने निकाल दिया? तो जाओगी कहाँ? पता नहीं है, अब जहाँ नसीब होगा वहाँ जाऊँगी। नसीब की बात है। किसी का वेट नहीं कर रही हो तुम? नहीं। 7 बज गए हैं। कोई नहीं, अभी 10 भी बजेंगे। कहाँ रहते हैं आपके अंकल आंटी? मेरे बिजनौर। अंकल आंटी, तो दिल्ली तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं आ गई। कैसे आ गई मुझे बताओ? बस से। किस से मिलने आई? बस यहाँ दिल्ली आ गई, बस दिल्ली के बारे में सुना है कि यहाँ पे सारे मतलब कि फ्रेंड एक साथ मिलते हैं कन्नाट प्लेस के बारे में। मैं यहाँ पे टिकटॉक वीडियो बनाती थी पहले। हाँ, तो यहाँ पे रह के गई हूँ पहले। तो अब कहाँ जाओगी? पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है मतलब कि कहाँ मंजिल है, कहाँ। तो करोगी क्या ये बताओ, मम डैड ने तो निकाल दिया। देखती हूँ, वेट करके कॉल आएगी तो। तो कब तक वेट करोगी? पता नहीं, जब तक नहीं कॉल आएगी। सो सैड यार। तो कोई दोस्त दोस्त हो जिसके साथ चली जाओ, जिसके यहाँ आज रुक जाओ? नहीं, मेरा दिल्ली में कोई फ्रेंड नहीं है ना, मेरा दिल्ली में कोई जानता हूँ ना। तुम्हारी जान पहचान है ना, तो तुम किसी को जानते हो, तुम किसके यहाँ रुकोगे, क्या करोगे रात में यहाँ? भगवान जाने, अब नसीब की बात है, जो नसीब करवाए। कितनी एज है तुम्हारी? मेरी 40-50। 14-15 साल? तुम बच्ची हो, पढ़ाई करती हो? हाँ। पैसे वैसे हैं पास में? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यार फिर कैसे करोगे क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारा। कुछ कर लूँगी, कुछ ना कुछ तो, अब भगवान पे भरोसा है। अगर कॉल आई तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। बिजनौर जाओगी रात में? हाँ। दिल्ली आपके अंकल आंटियाँ नहीं रहते? नहीं, यहाँ पे मेरा कोई नहीं रहता। मैं यहाँ पे 1-2 साल पहले आई थी, मैं वीडियो बनाने के लिए गई थी, वो भी अपनी फ्रेंडों के साथ, जो मेरी हॉस्टल फ्रेंड थी। अब वो है नहीं यहाँ पे, सब बाहर है। यार मड़ी यार, मेरे को तो बड़ी तकलीफ हो रही है यार। से आप कहाँ रहते हो? मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। खाना मंगाएगा? तुम घर चले जाओ, लड़ाई नहीं करते। अगर कोई बात हो तो मैं बात करूँ आपके अंकल से। नहीं, मैं अभी घर नहीं जा सकती।
क्यों नहीं? मैसेज भी आ चुके हैं, कॉल भी आ चुके हैं, आज के बाद घर मत आना, ये वो, मतलब मुझे बहुत हर्ट करते हैं जो जो, मतलब कि ये कि मैं अपनी खुद स्टडी छोड़ के जॉब करने लगी थी, स्टडी भी छुड़वा दी मेरी, उसके बाद जॉब भी करने लगी थी मैं अपना डांस अकेडमी डांसर बनने की वाली से, तो मैं डांस की अपनी प्रैक्टिस करती थी, पापा मम्मी ने बोला पढ़ाई मत कर, पढ़ाई छुड़वा दी मेरी, 11th छुड़वा दिया, के 11th करती, तो अब जब मेरे घर वालों को मेरे से दिक्कत थी तो मैं आ भी गई, उन्होंने भेज भी दिया, अपनी अकेडमी जाती थी, मेरा पढ़ाई छुड़वा दी, हर चीज़ मतलब कि बोलते थे अपने पैसे से कर, अपने पैसे तो बोला नहीं कि मैं कमाती नहीं हूँ, मैं कहाँ से करूँगी, बोला कि अब जब बड़ी हो गई अब कमाने लायक तो है, बोल दो 14 साल की हूँ मैं, क्या करूँगी, अभी मैं नाबालिग हूँ, उनको पता नहीं पुलिस उनको किस किस के अंदर डाल सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनको पैसे वाले वो सब देख, बोलते कि मुझे घर से भेज दो, हम करते हैं, हाँ बोलो तुम रात में कहाँ जाओगी, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, अब जा भगवान की किधर, तुम भगवान का यहाँ बैठी हो तो किस, कोई तो तुम्हारा दिल्ली का कोई जान पहचान, कोई रिलेटिव, मम्मा पापा चचा नानी नानी कोई तो होगा आपका? नहीं, अभी मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन करा चंडीगढ़ से, मैं आपस का कोई फ्रेंड रहता है, अगर उसको वो बोल रहा था कि मैं अपने किसी फ्रेंड से बात करता हूँ मुझे लेने आया, अगर वो आए तो उसके साथ जा सकती हूँ, अब मान लो वो ना आया तो वो बात है, तुम बहुत इमोशनल हो, मैं तुम्हारे कुछ हेल्प कर देता हूँ, चलो नहीं कोई नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ, भाई समझ के रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भाई बस तुमने इतना कह दिया वो बोलते हैं, नहीं कोई नहीं, मैं और मैं तुम्हारी कुछ थोड़ी हेल्प ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हारी हेल्प करना चाहिए, थोड़ी मुझे तकलीफ भी हो रही है यार, और मैं आपके मोम डैड को क्या बोलूँ यार, एक बार आप मुझे नंबर दो तो मैं उनसे बात करूँ ना, उनकी इतनी हिम्मत नहीं वो मुझे मना कर देंगे, बात करूँ मैं एक बार बोलूँगा, देखो गुस्सा गुस्सा अच्छा मतलब लड़ाई झगड़े से कुछ सॉल्व होता है, व्हाट हैपेंड, अरे 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 पागल है क्या तू यार, तू मेरी बहन समान है बता, तू मेरी बहन है पागल, बहन जैसी है मेरी तू, अरे 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 कोई बात नहीं है, लाइफ में होता रहता है यार, खुद से कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो कोई नहीं, मैं बात करता हूँ ना उनसे, मैं एक बार बोलूंगा वो मान जाएंगे, मैं अपने घर वालों को अपने ही चाहती कि मैं उनको फोर्स करूं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, चाहती कि अपने पैरों पे खड़ी होगी, पता 14 साल की है, कर लूंगी, कर लेगी, तू करेगी क्या, अभी तुझे कहीं कहाँ जॉब मिलेगी बता, ऐसी कर लेगी कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, चलो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करता हूँ, भाई नहीं समझते मुझे, भाई समझते हो तो फिर आपने मुझे बहन माना ही सबसे बड़ा एहसान है, फिर वही चीज़ है, बात एहसान हो जब भाई मान लिया तो यहाँ एहसान कहाँ से हुआ, बहन माना नहीं तो एहसान कोई नहीं हुआ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम्हारे एक मंथ रहने का जो भी होगा पूरा मैटर देखता हूँ, जो भी है रहने खाने का, बाकी कुछ ना कुछ तुमको जॉब मैं देखता हूँ किसी से बात, मतलब किस टाइप की आप जॉब करोगे, मुझे ओनली बैठने की जॉब पसंद है, बाकी मुझे पढ़ना लिखना सब आता है, पढ़ाई लिखाई आती है, चलो पढ़ाई करो तुम, तुम्हारी जितनी फीस होगी मैं पे करूँ, कहाँ तुम्हारा नाम लिखवाऊँ बताओ, कोई नहीं स्ट्रेंजर हूँ, भरोसा नहीं हो रहा है क्या मुझ पर, नहीं आप पे भरोसा है, मेरी बातों से लग रहा बंदा है, आपने कह दिया मैंने मान लिया, आप पहली बार किसी लड़के ने मुझे अपनी बहन बोला है, वरना सब गलत निगाह से देखते हैं, नहीं नियत तो देखने वाले की आँख में हो है, जो भी है कोई नहीं, तो मेरी बहन हॉस्टल में वहाँ पे जाओ और अपना लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, और मॉम डैड से बात करो ना, मॉम डैड से मैं अब अपने पैरों पर खड़ी होकर घर पर जाऊँगी, एक बार निकाल लाए ना उनको दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, उनको ये नहीं दिखाना चाहती कि मैं इतनी उम्र में शादी करके दूसरे के घर बर्तन मांजूं, अभी मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना, मेरी डांसर बनने की ख्वाहिश है, मुझे अपने डांस लाइन पूरी करनी है, तुम्हारी ज़रूर हर वो सपने पूरे होंगे जो तुमने देखे हैं, लेकिन एक बार मॉम डैड से तो बात करनी चाहिए ना एटलीस्ट आपको, नहीं फैमिली वालों से बात ही नहीं करनी, चलो मैं तुम्हारे हॉस्टल की फीस तुम्हारी और भी चीज़ें मैं देखता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार, नक यार इतनी क्यूट सी लड़की है बताओ, मेरा तुमको चलो किसी मेरी फ्रेंड मेरी बहुत सारी दोस्त हैं लेडीज़ हैं या तो किसी गर्ल्स हॉस्टल में मैं बात करता हूँ, वहाँ पे चले जाओ रुक जाओ रात में, क्योंकि रात में कहीं जाना सेफ नहीं है, तो आप जाओ आराम से आप वहाँ रहो और बाकी जो मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होगी हॉस्टल देखता हूँ वहाँ पे मैं आपका मैनेज कराता हूँ, कुछ भी पैसे नहीं है मुझे पता है आपके पास कहाँ पाओगे पैसे बताओ, लॉकडाउन में कौन देगा, तो मॉम डैडी नहीं दिए तो, ये पकड़ो मेरे कार्ड, जब तक तुम्हारा दिल करे पिन है।
शॉपिंग करना, पकड़ो पकड़ो सच में दे रहा हूँ, ये लो पकड़ो, जब तब सुनो, जब तुम सेटल हो जाना मेरा कार्ड वापस कर देना। नहीं नहीं पहले रखो इसको, ये मेरा कार्ड है, जब तक तुम रहना। नहीं अपने पास, मैंने बोला ना आपको, आप रखो, जब जब आप तक आपका दिल करे आप शॉपिंग करना। ये आप अपने पास रखो। नहीं मैं क्यों अपने पास रखूं, इसको आप रखो जब भी। आपने मुझे बहन माना है ना, भाई होने का कर्तव्य हमारा भी। तुम कहाँ जाओगी इतनी रात में? मैं कुछ ना कुछ कह लूँ, सोल्यूशन निकलेगा कुछ ना। क्या सोल्यूशन निकालोगी यहाँ रात में? तुम सोल्यूशन निकले, कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगी तुम रात में। पहले आप ये पकड़ो, तू रखो इसे, तुम रख इसे और जो तेरा दिल करे उतनी शॉपिंग कर। मैं बोलता हूँ मैं भाई हूँ, जब तुझे दिल लग रहे तो मेरा कार्ड मेरे वापस दीजिए। आपने मुझे बहन माना है ना, ये अपना कार्ड। सुन मेरी बात, वो लगा है कैमरा देख पीछे बना रहा था, ठीक है तू हट मत हो बिल्कुल। और रही बात तुम्हारे उसकी करने की, तो चलो मैं तुम्हें हॉस्टल में रहने की फीस देता हूँ, तो 4-10 हज़ार रुपये तुम्हें देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी नहीं होती हैं और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, इसकी अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पीना है अपना यूज करो, जब चीज़ें हो जाएं लगे सॉल्व तो मुझे वापस कर देना। अब भाई हूँ तुम्हारा यार, भाई होने के नाते इतना बनता है, ठीक है नहीं हमारा रिश्ता खून का, लेकिन मिले तो इंसानियत तो होती है ना। चलो ठीक है, नाइस टू मीट यू, मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ज़िंदगी है यार, ज़िंदगी में सब कुछ चलता रहता है, और रोने का नहीं, जाने का, हॉस्टल लेने का, काम करने का। हंसो हंसो, तेरी लड़की की बचाओ यार। कुछ खाए हो सुबह से? कुछ नहीं खाए। आप पहले उसे खिलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं। अरे आ तो नहीं। पागल उठ आ जा आ जा। तू मेरी बहन है, इस बार तुझसे मैं राखी भी बंधवा रहा हूँ। क्या खाएगी बता? कुछ नहीं है, भूख नहीं है। अरे भूख लग जाएगी पागल, भूख नहीं है भैया। अरे नहीं नहीं भूख लगेगी कैसे नहीं है।